पार्लियामेंट की जो परंपराएं हैं और पार्लियामेंट के एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के हिसाब से, माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष और उनके सामने जो नोटिसेज आई थी उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय अध्यक्ष ने मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा स्वीकृति दे दी थी। पिछले 10 दिनों से हम विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वो चर्चा में भाग लें। बड़ा गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, पूरे देश को चिंता है इस विषय के बारे में। लेकिन जो व्यवहार विपक्ष दिखा रहा है, जिस प्रकार का विपक्षी दलों का सदन के अंदर सदन के बाहर व्यवहार है, उससे हम सबको बहुत चिंता है। सरकार ने पहले दिन ही स्वीकार कर लिया था, हम रोज बोलते हैं कि हम आज करने को तैयार हैं, विपक्षी दल स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी सदन के भीतर हमने अनुरोध किया है विपक्ष से कि वो आज ही शुरू करना चाहे आज कर सकते हैं, कल करना चाहे कल करें, परसों करना चाहे जब करना चाहे। मणिपुर के ऊपर उनके सुविधा अनुसार एक सार्थक चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, संवेदना के साथ चर्चा हो। और मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ खोट है विपक्ष की सोच में, कुछ ना कुछ उनमें डर है। या तो डर ये है कि उनके कुछ काले कारनामे खुल जाएंगे, या तो ये डर है कि जो पूर्वोत्तर का स्थिति में सुधार हमारी सरकार आने के बाद हुआ है और जो उनकी सरकार के समय परिस्थितियां थी उसको उजागर करने से डरते हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो चर्चा से भाग रहे हैं। हमने आज भी कहा है कि आज ही शुरू कर लें 2 बजे चर्चा, वो तैयार ना हो कल करने को तैयार हैं, परसों करने को तैयार हैं। लेकिन रोज सदन को डिस्टर्ब करना, कार्रवाई नहीं होने देना। जो बाकी सदस्य हैं और आज मेजॉरिटी सदस्य चाहते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो और सदन के बाकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले, मेजॉरिटी की जब ये मानना है तो एक कुछ लोग सिर्फ पूरे सदन को ना चलने दें, ये बहुत ही गंभीर परिस्थितियां आज खड़ी हुई हैं सदन में। मैं निंदा करता हूं विपक्ष की, निंदा करता हूं इन कुछ पार्टियों की जो सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं और मणिपुर के ऊपर चर्चा भी नहीं होने दे रहे। सर, सेइंग दैट नो लेजिस्लेटिव बिजनेस शुड बी टेकन अप अंटिल द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। ऐसा कोई